श्रद्धाशील बंधुओ एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से सत्य की बात सुन रहे थे। इन्होंने सत्य की महिमा बताई और सत्य के ऊपर विश्वास, भरोसा करने को कहा। बंधुओं, मैं जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से कर रहा था वह चर्चा है धर्म श्रद्धा की। धम्म श्रद्धायणं भन्ते जीवे किं जनयति, यह प्रश्न है जो श्री गौतम स्वामी ने भगवान से किया था। उन्होंने पूछा, धर्म श्रद्धा का फल क्या है, इससे लाभ क्या होगा, लाभ क्या होता है, ये पूछा। भगवान ने फरमाया, धम्म श्रद्धायणं जीवे साया सुखे सूरज माणे वीरज्जयि। पहली बात कही, जिसके जीवन में धर्म श्रद्धा होती है उसको संसार के सुखों से विरक्ति होती है। अब एक प्रश्न है, सारे प्रयास प्रयत्न सुख के लिए है, सुख पाने के लिए है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव सुख के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करता और उससे यहां विरक्ति बता दी, तो फिर उससे क्या होगा। फिर जब सुखों से विरक्ति हो गई तो अब बचेगा क्या, समझ लें। भगवान ने कहा, संसार सुखों से विरक्ति होती है और क्या होता है उस व्यक्ति के जीवन में, आगात धम्मम चयी, समय आता है जब उसके धर्म श्रद्धा और अधिक परिपक्व हो जाती है तो वह संसार को ही छोड़ देता, परित्याग कर देता,
और अणगार धर्म को स्वीकार कर लेता, यानी साधु जीवन को स्वीकार कर लेता, फिर क्या होगा? वह कर्म बंधन का विच्छेद करता है। फिर क्या होगा? जो अंतिम बात बताई भगवान ने फरमाया, अवा बाहम चे सुहम निवत्ते, वह अव्याबाद सुख, अव्याबाद सुख मोक्ष को कहते हैं। किसको भाइयों? अव्याबाद सुख केवल मोक्ष है, संसार में नहीं है। वह है मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता। जब मुक्ति प्राप्त हो गई, अब तो फिर मंजिल पूरी हो गई। जिस उद्देश्य के लिए चले थे वो प्राप्त हो गया। इसका मूल क्या रहा? धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा वान व्यक्ति एक दिन यानी साधना करते हुए मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अब इसे हम यूं कह सकते हैं, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए जीवन में धर्म श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। तो फिर कुछ बात है, कुछ प्रश्न है। ये जो धर्म श्रद्धा है, ये तो ठीक है, हमारे सबके मन में है, सभी रखते हैं धर्म श्रद्धा, या और कोई चीज है जो हम समझते हैं, जो हम सोचते हैं, ये यही है या इससे कोई भिन्न चीज है? क्या चीज है वह? बंधुओ, अब इसके बात कर रहे हैं। आपको मैंने पूर्व में चर्चा में बताया था, ये जो धर्म श्रद्धा है इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और ये जो सम्यक दर्शन है इसी को सम्यक्त्व कहते हैं। और ये जो सम्यक्त्व है यही सत्य है। जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, कोई प्राप्त कर लेता है सत्य को, तो बंधुओ वह व्यक्ति परमात्मा हो जाता है या परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सत्य को पाने वाला, सत्य से साक्षात करने वाला यहां तक पहुंचता, स्वयं वह है परमात्मा हो जाए, बन जाए और बन जाता है, यहां तक पहुंचता। अब सवाल फिर है, ये बताया इसका स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन क्या चीज है? बंधुओ, सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। कई भाई सोचेंगे ये भी मसला, ये भी कई तरह का है क्या? सम्यक दर्शन तो एक ही तरह का है, सम्यक दर्शन तो एक ही तरह का है, पर इसकी स्थिति बताते हैं। स्थिति क्या बताते हैं? एक है निश्चय सम्यक दर्शन और एक है व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन,
किस किस रूप में है? ये बाह्य धर्माचारों के रूप में, शम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था आदि, जो ये बाह्य स्वरूप है इस रूप में। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? जिसको धर्म का, आत्मा का निश्चय हो जाए। अब आप थोड़ा समझना, चर्चाएं कुछ मुश्किल चल पड़ी, पर मैं चाहूंगा ये बातें हम समझ लें। ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, इसको थोड़ा सा समझ लें। निश्चय सम्यक दर्शन, बोलोगे एक बार? निश्चय सम्यक दर्शन, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन हो जाए, निश्चित रूप है वह जीव फिर मोक्ष का पथिक है। निश्चय सम्यक दर्शन हो जाए। जहां तक व्यवहारों की बात है, कभी कभी कुछ यूं होता है कि वे ऐसा ना हो कि कुछ और समझने लग जाएं। व्यवहार से तो पूर्व जन्मों में साधु भी बने हैं, श्रावक तो बने हैं, साधु भी बने हैं, व्यवहार से बने हैं। व्यवहार से सामायिक पौषद ये भी सब किए हैं। निश्चय नहीं आया। निश्चय अगर हो और आ जाता, जी मोक्ष में चला जाता। आज जब वर्तमान में अगर हमारे भीतर निश्चय भाव, निश्चय सम्यक दर्शन हो और आ जाए, अब मैं तो नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन भगवान जानते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन आ जाए तो जी फिर तो मुक्ति के बहुत समीप पहुंचता है। निश्चय सम्यक दर्शन ऐसी चीज है। तो इस व्यवहार और निश्चय का क्या फैसला हो? फैसला है, एक बात कहने की होती है, एक बात भीतर के अंदर वैसा है, ऐसा है, इस प्रकार निश्चय की होती है। जैसे व्यवहार में सब ये कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, आत्मा परम सुखों का कोश है, ये सब कहते हैं। ये हमारा कहना बंधुओं व्यवहार का है। आप कहेंगे फिर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि व्यवहार का तो ये छोड़ दिए जाए, यूँ नहीं मामला, एक कदम तो बढ़ाया, आगे भी चलेंगे, पर ये व्यवहार है। निश्चय में ये हमने ये सोच लिया या नहीं सोच लिया? अगर निश्चय में आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये निश्चय में है, मृत्यु का भय नहीं होगा। मृत्यु का भय नहीं होगा अगर ऐसा निश्चय है। लेकिन व्यवहार में निश्चय तो फिर कह रहा हूं केवल ज्ञानियों का विषय है कि कितना हमारा निश्चय है, पर व्यवहार में है ऐसा, कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई है लुटेरा, कोई व्यक्ति और छुरा लेकर खड़ा हो जाए और फिर वह कहने लगे, कोई बात कहने लगी कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा करो, तो आदमी प्राण बचाने की बात पहले सोचेगा, बोले फिर होता रहेगा, फिर करते रहेंगे, प्राण बचाओ पहले। ये व्यवहार की थी बात, उसने उस समय प्राणों को महत्व दिया है, लेकिन निश्चय जहाँ पर होता तो वहाँ फिर परिवर्तन की बात, छोड़ने की बात, इस तरह के बाद फिर नहीं होती। शास्त्र में कामदेव श्रावक का जिक्र आया, एक श्रावक हुए,
उनका नाम कामदेव था। श्रावक थे और भी श्रावक थे, बहुत सारे हुए। कामदेव भी एक श्रावक थे। कामदेव श्रावक ने एक बार पौषध किया और वह पौषधशाला में पौषध करके बैठे हुए थे। उनको एक देव ने देखा कि ये व्यक्ति पौषध किए हुए बैठा है। देखा उस देव ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए वो सामने आया और आकर बोला, हम भो कामदेवा। अरे ओ कामदेव, वो पौषध में बैठा है। अरे ओ कामदेव, तो महावीर का धर्म छोड़ दे, क्योंकि ये मिथ्या है। वह देव कहता है, तो महावीर का धर्म छोड़ दे, क्योंकि ये मिथ्या है। तो और धर्म को स्वीकार कर इसे छोड़ दे। कामदेव ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे यूं ही कोई कर रहा, शोर कर रहा, नीचे बच्चे करते हो, कुछ बोलते हो, कौन ध्यान देता? उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने फिर गर्जना के साथ कहा कि तू मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात सुन, तू महावीर के धर्म को छोड़ दे। इस बार भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगली बार वो एक बड़ी तीक्ष्ण भयंकर तलवार हाथ में लेकर, बड़ा विकराल उसका रूप,